सेम ये क्वेश्चन आया था सो वन प्लस टेन स्क्र थीठा किसके इक्वल हैं ये ट्रुग्रोमेट्री है इसे सिम्प्लीफाई कर लेते हैं वन प्लस टेन स्क्र टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, अब टेन स्क्र है सो साइन डिवाइडेड बाय बाई कॉसक्र थीटा आ जाएगा इसे हम लिख सकते हैं कॉस्क्यर थीटा है मल्टीप्लाई करें वन से तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन डिवाइडेड बाय बाई कॉस हैज इट इज ठीक है सो अब हमारे पास टिक्नोमैटिक आइडेंटिटी है कॉस्क्य थीटा प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हैज़ इट इज थीटा वन डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर थीटा इक्वल होता है सिकेंड थीटा बिकॉज वन डिवाइड बाई कॉज थीटा इक्वल होता है सीकेंड के सो so, यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे आ जाएगा स्केयर सो ये आ जाएगा सिकेंड स्केयर डीटा ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्स स्केयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व फाइंड द फैक्टर इसके हमने फैक्टर फाइंड करने थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एज इट इज़ फर्स्ट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करें आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्र अब दो ऐसे फैक्टर लें जिनको मल्टीप्लाई करें ट्वेल्व एक्स स्क्र आए प्लस माइनस करें एड या सब करें माइनस सेवन आए सो so, वो हैं माइनस फोर एक्स एंड माइनस थ्री एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्र अगर प्लस माइनस करें तो माइनस सेवन सो so, यहाँ पर अगर रखें माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स यहाँ से काम लें एक्स माइनस फोर माइनस थ्री काम लें एक्स माइनस फोर सो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस थ्री सो ये दो फैक्टर हैं एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर ये दो फैक्टर थे करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर था सॉल्व एक्स एट एक्स स्क्र प्लस नाइन एक्स प्लस वन इज एक टू जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू हमने फाइंड लेके आनी थी मीन इसका सोलूशन हमने लेके आना था सो एट एक्स एक्सकेयर प्लस नाइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो सिंपल फैक्टराइजेशन ही अप्लाई आपने करनी है लिख सकते हैं इसे एट एक्स एक्सक्र प्लस एट एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एट को वन से मल्टीप्लाई करें एट दो ऐसे फैक्टर लें जिनको प्लस करें नाइन आए मल्टीप्लाई करें एट तो एट को वन से मल्टीप्लाई करें एट आ जाएगा और प्लस करें तो नाइन आ सकता है सो एट कॉमन लें एट एक्स आ जाएगा एक्स प्लस वन और वन कॉमन लें तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू हैज इट इज अब यह आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन एंड एक्स एट एक्स सॉरी प्लस वन इज एकवल टू ज़ीरो सो एक्स प्लस वन इज एकवल टू ज़ीरो एंड एट एक्स प्लस वन इज एकवल टू ज़ीरो सो ये आ जाएगा x इज एकल टू ये राइट साइड पे आ जाएगा माइनस वन एक वैल्यू आ गई और दूसरी आ जाएगी एट एक्स इज एकवल टू प्लस आई इस साइड पे आ जाएगा माइनस वन एट को बोथ साइड पे डिवाइड करें सो so, एक्स की वैल्यू आ जाती है वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एट सिक्स क्वेश्चन था वट इज़ कैम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट कैम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल अगर देखा जाए वो है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए अगर इन, उनका अगर ऑर्डर चेंज किया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एक दूसरे के इक्वल होंगे तो अगर यूनियन का कहा गया हो तो यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के ठीक है सो so ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आया है फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर का आ गया ये क्वेश्चन था ठीक है सो so आपने प्रॉपर्टी बतानी थी तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये तीन नंबर थे वो प्लस हो रहे थे टू प्लस थ्री देन प्लस फाइव था तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी एम सी क्यूज नंबर नाइन था द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज इज़ कॉल्ड जब भी कोई दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पे तो वो एंगल बनाती हैं ठीक है सो so, यहाँ पे ऑप्शन था एंगल सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट नंबर टू पे